बाजार में सड़कों के साथ साथ जंगलों में भी हुड़दंग मचाने वाले नशेड़ियों को महिलाओं ने रैली निकाल दी चेतावनी। संगड़ाह की सैंज पंचायत की महिलाओं द्वारा पुलिस से भी की गई नशे के धंधे से जुड़े लोगों पर सख्ती की अपील। नारी शक्ति ग्राम संगठन ने लिया कल से कुछ छापेमारी करने का जिम्मा। गत माह हरिपुर धार में कांग्रेस नेता के भाई की हत्या के तार भी नशे के अवैध धंधे से जुड़े होने की बात कह रहे हैं लोग। पप्पू मर्डर केस को लेकर हरिपुर धार में भी महिलाओं ने 20 अगस्त को रैली निकाल कर की थी नशे के सौदागरों पर सख्ती की मांग। सिरमौर जिला के उपमंडल संगड़ाह के अंतर्गत आने वाली सैंज पंचायत की दर्जन भर SHG की महिलाओं ने आज इलाके के नशेड़ियों व नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों को चेतावनी देने के लिए रैली निकाली। पंचायत के आखिरी गांव डलियाणू से सैंज तक निकाली गई करीब 7 किलोमीटर की इस नशे विरोधी रैली के दौरान महिलाओं ने न केवल पुलिस प्रशासन व सरकार से नशेड़ियों व धंधेबाजों पर सख्ती करने की मांग की बल्कि नारों व प्ले कार्ड से युवा पीढ़ी व अपने क्षेत्र के बच्चों से भी नशों से दूर रहने की अपील की। दर्जन भर स्वयं सहायता समूह के नारी शक्ति संगठन की पदाधिकारी सुरेंद्र व किरण आदि ने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में फल फूल रहे अवैध शराब भांग व ड्रग्स आदि के कारोबार पर तुरंत नकेल कसने की अपील की। मीडिया से बातचीत में महिलाओं ने नशेड़ियों व नशे के धंधे से जुड़े लोगों को खुद भी छापेमारी करने की चेतावनी दी और नशा न करने वाले क्षेत्र के युवाओं से भी उनका साथ देने का आग्रह किया। महिलाएं इस बात को लेकर परेशान है कि अब तक जहां सड़कों बाजारों व दुकानों ढाबों में ही नशेड़ी नजर आते थे वहीं पिछले कुछ अरसे से जंगलों व घासनियों में भी जगह जगह उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं और बाइक तथा दुपहिया वाहनों से भी आए दिन हुड़दंग मचा रहे हैं। गौरतलब है कि गत 14 अगस्त की रात क्षेत्र के हरिपुर धार में हुई CM के करीबी कहलाने वाले कांग्रेस नेता के भाई की हत्या के पीछे भी महिलाएं व स्थानीय लोग ड्रग्स के अवैध कारोबार को एक मुख्य बाजार मान रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर 20 अगस्त को भी महिलाएं प्रदर्शन कर चुकी है। इस प्रदर्शन के दौरान भी महिलाओं ने पप्पू मर्डर केस के सभी आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के साथ 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 लगते शिमला जिला व इस इलाके के ड्रग्स के धंधे से जुड़े लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की मांग की थी। महिलाओं द्वारा दी गई खुद नशे के सौदागरों व नशेड़ियों पर एक्शन लेने की चेतावनी को हालांकि ज्यादातर लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं मगर कुछ दिन पहले उपमंडल संगड़ा के ही घंडूरी गांव में स्थानीय महिलाओं ने अवैध रूप से शराब बेचने वाले एक शख्स के घर से इलीगल वाइन की कई पेटियां उठाकर सबके सामने सड़क में तोड़ दी थी और पुलिस के अनुसार महिलाओं द्वारा 2-4 बोतलें भी सुरक्षित न रखे जाने से उस दौरान केस नहीं बन सका। उपमंडल मुख्यालय संगड़ाह में भी नशेड़ियों द्वारा हुड़दंग मचाए जाने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है और स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात तक पैदल अथवा मोटरसाइकिल पर नशेड़ी युवक घूमते देखे जाते हैं। 4 दिन पहले नशे में धुत एक युवक द्वारा 3-4 लोगों से हाथापाई किए जाने के बाद स्थानीय दुकानदारों ने खुद ही उसकी धुलाई कर दी थी और फिर अंधेरी गांव के बताए जा रहे इस ड्राइवर को पुलिस को सौंपा था। इतना ही नहीं गत माह हरियाली मेले के समापन के दौरान 2 गुटों में हुई झड़प और लड़ाई के बाद एक युवक के सिर में इतनी गंभीर चोटें आई थी कि संगड़ाह से उसे मेडिकल कॉलेज नाहन और वहां से फिर PGI रेफर किया गया था। मेरा नाम सुरेंद्र ठाकुर है और मैं नारी शक्ति ग्राम संगठन की प्रधान हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हो सारी महिलाएं आज इकट्ठी हुई है और सब पूरे जोश में है तो हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले टाइम में ये जोश ऐसा ही रहेगा और हम इस अभियान को जारी रखेंगे। ये नहीं है कि आज हम सड़कों पर उतरे हैं और अब हम घर जाके चुप बैठेंगे। हमारा सभी से निवेदन है कि आज हम प्यार से सबको समझा रहे हैं कि अभी इधर ही रुक जाओ, कल से हम नहीं बैठेंगे घर में और हम हर कार्रवाई करेंगे, हम कानून का भी साथ लेंगे और हम छापेमारी भी करेंगे। इसलिए आज हम सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि जो भी गलत गतिविधियां कुछ भी है, शराब जुआ ड्रग्स और कुछ भी है, उस सबको बंद कर दो क्योंकि सबके बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और नशा इस हद तक बढ़ चुका है कि इस नशे की लत के कारण मर्डर तक हो रहे हैं। तो सभी से निवेदन है जितनी भी महिलाएं हैं वो भी घर जाके अपने पतियों भाइयों बच्चों सबको समझाए कि कोई पीछे मत हटे, इस अभियान के लिए सब बढ़ चढ़ कर भाग ले। हम शुरुआत सब अपने घरों से करेंगे तभी ये चीज खत्म होगी और सब बाकी हम पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं क्योंकि इन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया है और हमने गाँव के नौजवानों से भी अपील की थी कि इस अभियान में भाग ले, शायद किसी कारणवश आ नहीं पाए है। नमस्कार, मेरा नाम किरण बाला है। मैं सेंस पंचायत के संगठन जो हमारा नारी शक्ति संगठन ग्राम संगठन है ग्राम पंचायत सेंस का, हमने आज नशा मुक्ति पर एक जो है रैली निकाली है। तो हमारे जो नौजवान साथी है नशे की ओर उनकी गतिविधियां बढ़ती जा रही है, इस पर हमने एक बहुत जोरदार रैली निकाली है। सभी महिलाओं ने हमारे जो संगठन हमारे बीओ के संगठन में 20 ग्रुप है, हम सारे ग्रुप यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमने नशे के खिलाफ जो ये रैली निकाली है। हमारी सर 2 सड़का से सेंज घाट और सेंज घाट से सेंज गांव तक रहेंगी और इसमें हमने सरकार से परमिशन ली हुई है, हमने पुलिस प्रोटेक्शन भी मांगी है, हमारे साथ पुलिस वाले भी है
और हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो नशे की ओर दौड़ रहे हैं, हम उनको रोकना चाहते हैं, अपने गाँव से, अपने समाज से ये नशे को भगाना चाहते हैं।